बिजनेस। दोस्तों हम सबका सपना रहता है कि हम एक अच्छा बिजनेस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आइडियाज डिस्कस करेंगे। अगर आप इंजीनियर हो तो आपके लिए ये आइडियाज बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे, और अगर आपको बिजनेस करना है इमीडिएटली इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आइडियाज आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप करियर, दिस इज मोहम्मद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बिजनेस आइडियाज आफ्टर इंजीनियरिंग। तो यहां पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स को लेते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है या अभी कर रहे हो तो आप इमीडिएटली बिजनेस क्या स्टार्ट कर सकते हो? आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप प्लानिंग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, आप बीम मॉडलिंग कर सकते हो। बीम का मतलब है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको मॉडल बनाना रहेगा, और वो बना करके आप अपनी सर्विस जो है वो सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, आपको ऑफिस सेटअप करना, या फिर घर से भी काम कर सकते हो। मैन्युअली जा करके लोगों को अप्रोच करो और अपनी सर्विस के बारे में बताओ और उनको आपकी सर्विस सेल कर सकते हो। आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप रजिस्टर करो, अपना पोर्टफोलियो जो है वो अपलोड करो, और ऑनलाइन थ्रू आउट द ग्लोब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आपको उनके प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना है, मॉडलिंग 3D वगैरह सब कुछ बनाना है, और बना करके आप सेल कर सकते हो। स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ही अच्छा बिजनेस रहेगा आपका। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एक दो प्रोजेक्ट्स एज अ लर्निंग के लिए आप प्रोजेक्ट्स करो और फिर अपना चालू कर सकते हो बिजनेस। नेक्स्ट इज फॉर मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। अगर आपने मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल में किया है तो आपके पास में अच्छा स्कोप है। आप सप्लाई इंडस्ट्री में जा सकते हो, आपके पास में अच्छा नॉलेज रहेगा मशीन्स स्पेयर पार्ट का। और आपको पता है कि सभी इंडस्ट्रीज में मशीन्स चाहिए, मशीन्स के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए। बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स वॉर्न आउट हो जाते हैं जिसको बार बार रिप्लेस करना होता है। तो आपको सिर्फ पहले स्टडी करना है कि कौन सी इंडस्ट्री में किस तरीके के स्पेयर पार्ट की ज़रूरत होती है, और दूसरे एंड पे आपको देखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो आप देखिए कि कहाँ से आपको अच्छा रेट मिल रहा है, कहाँ से आपको किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगा। उस तरीके से आप दोनों चीज़ों को मैच कीजिए और आपका सप्लाई का बिजनेस चालू कर सकते हो। आप एक जगह से परचेस करो और दूसरे इंडस्ट्री में उसको सेल करो। कहने के लिए ये इजी है, लेकिन उतना इजी नहीं है। आपको पहले कुछ टाइम स्पेंड करना होगा, बहुत सारी जगह पे जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, प्रोडक्ट को फिजिकली लेकर के आपको चेक करना होगा। ये बिजनेस मैंने भी किया था जब मैं स्टडी कर रहा था, तो पार्ट टाइम के बेसिस पे ये बिजनेस मैंने किया था और मेरी इनकम भी अच्छी हुई थी, लेकिन वो पार्ट टाइम के लिए अच्छी थी। फुल टाइम भी ये बिज़नेस आप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का तो इस बिज़नेस को आप फुल टाइम ले करके अच्छा ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा जब मैंने किया था तब मैंने सिर्फ इंडिया लेवल पे कुछ जगह पे सप्लाई किया था। आप इसको वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं से लेकर के कहीं पे भी आप बेच सकते हो। उसके लिए आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आपको कुछ स्टडी करना होगा, और वो स्टडी करने के बाद में आप इजीली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो जो मैंने मैकेनिकल वालों के लिए बताया वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपनी फील्ड में, केमिकल्स को लेकर के, डाइज को लेकर के। सभी इंडस्ट्रीज में केमिकल्स डाइज की ज़रूरत रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। तो वहाँ पे आप ये सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। पहले स्टडी करो कि कौन मैन्युफैक्चर करता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या रेट आपको मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोच करो इंडस्ट्रीज को और आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपके अंदर एक सेलिंग का टैलेंट भी होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप जो है प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सको। नेक्स्ट इज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्लाइंट के लिए वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया freelancing.com है, TopTel है, 99 डिज़ाइन है, उस तरीके की वेबसाइट पे जा करके आप रजिस्टर करो। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, आप घर बैठे ये काम कर सकते हो। उसके अलावा
आप रेफर भी कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आप देखो कौन सी कंपनी किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स बना रही है और किस तरीके के क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर रेफर करना है और बीच में आपको कमीशन भी मिलेगा। सो इस तरीके से आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।